हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, एकदम 4 स्टार कॉन्सेप्ट। बच्चा पार्टी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आईआईटी जेई के क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं। बस वो मतलब ऐसा समझ लो कि उसका एक डर होता है जो मेन गेम करता है, ठीक है ना। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाए जा सकते थे। चलिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करें और जो आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है उसको एक बार सॉल्व करें। ये आईआईटी जेई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक वाटर जार है जिसमें होल कर दिया है, उस वाटर जार से जो लिक्विड निकल रहा है उसका जो रेंज है वो 1.2 मीटर है ग्राउंड में। यदि मैं उस पर्टिकुलर वाटर जार को लिफ्ट में ले जाके रख दूं और लिफ्ट को ऊपर लेके जाऊं, नीचे लेके जाऊं, या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कराऊं, या फिर फ्रीली फॉलिंग हो लिफ्ट, तो उस कंडीशन में रेंज क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आप फिगर से भी समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखिए बहुत सारे लोग नो डाउट इसको सॉल्व करने लगेंगे, रेंज का फॉर्मूला लगाने लगेंगे और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन सोचने लगेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन सच बताऊं तो मात्र 10 सेकंड का है। आप एक बार रेंज के बारे में सोचें। यदि मान लीजिए जो आपका होल पंच मतलब आपने उसमें बनाया हुआ है, ठीक है ना, वो होल है मान लीजिए ऊपर से स्मॉल एच हाइट पे, तो आपका रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू स्मॉल एच। अब सोच के देखिए, क्या रेंज आपका कहीं भी ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ना ही एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा ना ही ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा, मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शंस के सेम आंसर आने चाहिए, चाहे आप उसको ऊपर की ओर एक्सेलरेट कराओ, चाहे नीचे की ओर एक्सेलरेट कराओ, चाहे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से लेके जाओ, आपको हर केस में रेंज सेम मिलने वाला है, क्योंकि रेंज एक्सेलरेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, ग्रेविटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। मतलब यदि वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट घट जाएगा, यदि टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाएगा, मतलब ओवरऑल जी के बढ़ाने का कोई अंतर पड़ेगा नहीं। लेकिन फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करें जहां पे बोल रहा है फ्रीली फॉलिंग, तो यार वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वो जरूर अंडर रूट 2gh होती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। सो फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन में जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस जी जीरो, मतलब इस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा कि वेलोसिटी कुछ होगी नहीं, मतलब लिक्विड बाहर ही नहीं आएगा, नो वॉटर विल लीक आउट ऑफ द जार, क्लियर है। सो बस फोर्थ ऑप्शन बस हमारा डिफरेंट है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि विद इन 10 सेकंड्स आप इसको बस देख करके आंसर मार्क कर सकते थे एग्जाम हॉल के अंदर कि भाई ये तो ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब इसके ये वाले ऑप्शंस होंगे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आईआईटी जेई का क्वेश्चन था, लेकिन विद इन 10 सेकंड हम आसानी से कर सकते थे। तो बच्चा पार्टी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ढेर सारे आईआईटी के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं मैं, जो कि 10 सेकंड्स के अंदर सॉल्व किए जा सकते हैं और वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, ओके। सो बच्चा पार्टी, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।